हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इंडियन गर्ल चैनल विश्वप्रणा। और एज यू नो मैं हूँ विश्वप्रणा। तो थामलाइन देख के पता चल ही गया होगा क्योंकि आज से मैं मेकअप की क्लास लेने वाली हूँ। तो जो कोई भी मेकअप सीखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, क्योंकि मैं जब भी मेकअप रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, आज से मैं मेकअप की क्लास लेने वाली हूँ। तो मेकअप का फर्स्ट जो पोर्शन आता है, पहला जो क्लास होता है, वो है आईब्रोज। आईब्रोज को हम कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। आईब्रोज अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा तो मेकअप ऑल ओवर देखने में अच्छा नहीं लगता। सो कैसे हम आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हैं, यही टॉपिक है आज का वीडियो का। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आईब्रो ड्रॉ करने से पहले जो चीज़ सबसे ज़रूरत है वो है आईब्रो कंसील कर लेना, क्योंकि आईब्रो कंसील करने से आईब्रो हो जाता है एकदम से प्रोमिनेंट। इसी से क्या होता है, आईब्रोज प्रोमिनेंटली ड्रॉ होता है, एक प्रोमिनेंट शेप आता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये शेप में आ जाता है। सो एज ए आईब्रो कंसीलर आप ले सकते हो जो कोई भी आई कंसीलर। अगर आपके पास आई कंसीलर नहीं है तो आप रेगुलर जो कंसीलर एज ए फेस कंसीलर आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी आज फेस कंसीलर से ही करने वाली हूँ। तो मेरे पास जो कंसीलर है वो है मेबलिन का आई कंसीलर। सो इसी से मैं आईब्रोज को आज कंसील करने वाली हूँ। तो चलिए आगे पहले आईब्रोज को कंसील कर लेते हैं। और ऐसी एक ब्रश लेके इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा। तो एज ए हम इसको ब्लेंड करते हैं। हमेशा आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए ये ध्यान देना कि आईब्रोज कौन से शेप में। अगर आप क्लाइंट के ऊपर ट्राई कर रहे हो और या खुद के ऊपर ट्राई करने वाले हो तो ये देखो आपके आईब्रोज शेप कैसा है। देखो मेरा आईब्रोज का शेप है एकदम से यू शेप है, और जिसका आईब्रोज शेप है भी, यानी कि मैं बता दूँ, आईब्रोज का दोनों शेप होता है, एक यू शेप होता है, एक वी शेप होता है। अगर आपका आईब्रोज वी शेप का है तो आपको आईब्रोज वी शेप में ही बनाना है। अगर आपका आईब्रोज यू शेप में है तो आपका आईब्रोज यू शेप में ही बनाना है। अगर आप चाहते हो मेरा आईब्रोज यू शेप में है और मैं बना दूं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और एकदम से ये अच्छा नहीं भी है, ये रूल्स नहीं है। जैसे आपका आईब्रोज ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। और आईब्रोज का नेक्स्ट जो रूल्स है वो है, आईब्रोज अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमेशा, और आपका जो पाउडर है वो डार्क अमाउंट सबके सबसे पहले इनर कॉर्नर नहीं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट होगी। इनर कॉर्नर में बहुत ज़्यादा पाउडर आपको एकदम से लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का पाउडर एकदम से इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर देते हो तो आईब्रोज देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो ये सबसे पहले ध्यान देना कि पाउडर जब आप बहुत ज़्यादा लेते हो तब एन से स्टार्ट करना। एन से स्टार्ट करोगे तो ये शेप बहुत ही अच्छा होगा, और शेप पहले कर लेना, देन आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हो। और मेरे देखो आईब्रोज ज़्यादा है, मैंने आईब्रोज नहीं किया है तो भी देखो आईब्रोज एकदम से ठीक है। जिस लोगों की आईब्रोज प्रोमिनेंट नहीं है उनके प्रोमिनेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो जिन लोगों का आईब्रोज शेप में है और डार्क है आईब्रोज के हेयर, तो उसको क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाओगे शेप कर दोगे तो चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों का आईब्रोज बहुत ज़्यादा शेप में नहीं है और अमाउंट भी ग्रोथ ठीक से नहीं है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्पैचुला लेके आपको आईब्रोज को बहुत ही अच्छी तरीके से कोम करना पड़ेगा, क्योंकि कोम अगर हम नहीं करेंगे तो आईब्रोज का शेप प्रोमिनेंट नहीं आएगा। तो हम पहले कोम कर लेते हैं। आई थिंक आप देख पा रहे हो, देखो अच्छी तरीके से हम कोम कर सकते हैं। कोम करने के बाद एक शेप ऑटोमेटिकली आईब्रोज में आ जाता है।
पहले मैं ये आईब्रोज करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने कॉम कर लिया है। ठीक है, अभी हम आईब्रोज को ड्रॉ करने वाले हैं। सो अभी हम ब्रश में प्रॉपर अमाउंट ले लिया है और अब हम फिल करने वाले हैं आईब्रोज। सो सबसे पहले मैंने जो बोला था, इनर कॉर्नर नहीं है, आउटर कॉर्नर से हमको स्टार्ट करना होगा। सो ऐसे आउटर कॉर्नर यही है, और देखो अब आउटर कॉर्नर से हमेशा इनर कॉर्नर में जाना होगा, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर में नहीं होगा, हमेशा। सो हमेशा याद रखना एक चीज़ कि हम आईब्रोज पेंसिल को हमेशा आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में जाएंगे, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दो तो आपका आईब्रोज एकदम से परफेक्ट होगा। सो देखो हम आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में जाएंगे। और दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है एकदम से फ्रंट में जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टचअप देना पड़ेगा। तो टचअप से आपका जो नेचुरल लुक है वो उभर के आएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें भी डार्क कलर आप नहीं लगाएंगे, तो अगर आप डार्क कलर लगाएंगे तो एकदम से ये नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, सो देखो ये आईब्रोज तो फिल हो गया है। इसमें डिफरेंस आप देखो, इसमें ये एकदम से फिल नहीं है और ये फिल है। फिल होने के बाद देखो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रही है, बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है। तो आई थिंक आपका डिफरेंस आप समझ सकते हो। सो ये है डिफरेंस, ऐसे ही आपको आईब्रोज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो आईब्रोज है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में आउटर कॉर्नर लेके फिर इनर कॉर्नर में हम आएंगे, और डार्क कलर पहले मैंने बोली थी सबसे पीछे से और आगे लाइट कलर। सो अब देखो अब हो गया है दोनों आईब्रोज कंप्लीट। तो आपने देखा कैसे हम आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेकअप का पहली चीज़ है जो परफेक्टली डन करना पड़ता है, तो इसके बदौलत हम लोगों का जो फुल मेकअप है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था मेरा मेकअप क्लास का वन टॉपिक, जो है आप कैसे परफेक्टली आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हो। आते हैं मेकअप क्लास 2, मेकअप क्लास 3, मेकअप क्लास 4। इसमें हम फुल मेकअप डिटेल्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो और बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो मेरे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी के लिए टाटा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।